मुस्कुराते हुए और ताली बजा के नहीं कटेगा। आपको निश्चित रूप से आपको एक लंबे संघर्ष की तैयारी करनी होगी। हम नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश की जनता पेयजल जैसे संवेदनशील मुद्दे पे ठगी जाए, छली जाए। इस बात को उजागर करने के लिए हमें कुछ भी मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं भी जाना पड़ेगा, जनजन के दरवाजे तक जाना पड़ेगा। हम इस मंच की बात को पहुंचाएंगे। जल से ही जीवन है, और अगर तुम्हारे जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहा है तो उसके इस प्रयास को कतई स्वीकार नहीं करेंगे, उसे सफल नहीं होने देंगे। इसी बात के साथ, जज्बात बहुत होते हैं, बातें भी दिमाग में बहुत सी चलती हैं, लेकिन समय की पाबंदी को देखते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय संघर्ष समिति। आज हमारा आंदोलन ये 7वें दिन में है, और आज हम अपने माननीय मंत्री नगर विकास के यहाँ गए थे, उनसे भेंट करने, जल निगम कर्मियों की जो पीड़ा है उसे बताने। संक्षिप्त बात हुई एक मिनट की, और चूंकि उन्हें कैबिनेट में जाना था, आज 9 बजे कैबिनेट थी, तो विस्तार से बात तो बाद में होगी। लेकिन हम लोगों ने अपील की कि आज महत्वपूर्ण बैठक है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें नगर विकास, जल शक्ति और हमारे मुख्य सचिव महोदय सभी लोग रहेंगे। तो हमने ये अपील की कि महोदय आज जल निगम का कुछ कल्याण करा दीजिए, और हमारा वेतन और पेंशन कम से कम ट्रेजरी से संरक्षित करा दीजिए। इस विषय को लेकर हम लोग यहाँ पर 7 दिन से बैठे हुए हैं, कल से हमारा आमरण अनशन का कार्यक्रम है। लेकिन एक अपील आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं कि आज उनकी अध्यक्षता में जो बैठक हो रही है, महोदय ये इतना महत्वपूर्ण विभाग है कि जल को मानव से अलग नहीं किया जा सकता, और जब तक मानव है तब तक जल की आवश्यकता है, इसकी महत्ता सभी समझते हैं। तो कम से कम हमारे जल निगम को जो भी स्वरूप दें, सभी जल निगम के कार्य, पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज, नदी प्रदूषण और नमामि गंगे और भी जो योजनाएं हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह की, ये सारे कार्य एक ही जगह रखे जाएं, जिससे ठीक से मॉनिटरिंग होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी तो हैं, संत भी हैं, वो जानते हैं कि जब परिवार इकट्ठा होता है तो हर परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी तय होती है, और ये आकलन होता है कि परिवार में कहाँ कमी है, एक दूसरे की पूर्ति करता है। अगर ये जल संपूर्ति से संबंधित सारे कार्य तितर बितर हो जाएंगे, बट जाएंगे, तो इनकी सही न मॉनिटरिंग हो पाएगी, न एक दूसरे को प्रतिपूर्ति कर पाएगा। तो लिहाजा हमारी अपील है, हमको जो भी स्वरूप दें, हमको एक मुस्त रखें, एक जगह रखें, ये सारे कार्य जल निगम को दिए जाएं, और हमारा वेतन पेंशन ट्रेजरी से संबद्ध कर दिया जाए, और जो सरकार के खजाने से हमें सेंटेज मिलता है उसको शून्य कर दिया जाए, सेंटेज लेस विभाग कर दिया जाए। चूँकि हम सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए काम करते हैं, सार्वजनिक उपादेयता के निगम हैं, और प्रदेश के वित्त विभाग ने हमको लाभ हानि से मुक्त कर रखा है, और कहा कि आप तो सेवा वाले निगम हैं, आपका काम व्यापार करना नहीं, विपणन करना नहीं है। तो इसलिए हमारी पुनः अपील है कि हमारा वेतन पेंशन ट्रेजरी से संबद्ध करें, और जल निगम को सेंटेज लेस घोषित करें, जितना भी काम है जल निगम का सब जल निगम से ही कराएं। हम लोग जितना काम देंगे करने को तैयार हैं, जितना हमें काम से ला सकें मुख्यमंत्री जी। और ये भी एक अपील करना चाह रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व में नाम है, हर विश्व का आदमी उनको अब अपना नेता मान चुका है, तो मुख्यमंत्रियों में हमारे माननीय योगी जी का भी यश उसी प्रकार का है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो कुंभ मेला करा दिया, इतनी बड़ी जनता को जो सुविधा दे दी, दुनिया में कोई नहीं दे सकता,
तो जब इतनी सराहना हमारे माननीय मुख्यमंत्री की विश्व स्तर पर हुई तो जल निगम को उस सराहना से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जल निगम उसका मुख्य विभाग था, नोडल विभाग था आपके इसका कुंभ का, तो कुंभ का जो नोडल विभाग था, इतना बढ़िया कुंभ हुआ उसमें सबसे बड़ा योगदान जल निगम का था, तो कम से कम जो हमारे प्रदेश को यश प्राप्त हुआ है उसमें जल निगम की भागीदारी है, तो जल निगम की बेहतरी और तरक्की की ही बात सोची जाए, यही अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा सरकार, इस समय जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं वो लगातार प्राइवेट हाथों में देते जा रहे हैं, इस पर आपका संगठन या आप लोग जन निगम कर्मचारी क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो कदम उठा रही सरकार ये ठीक है? हमारा ये कहना है कि हम निजीकरण के तो विरोधी हैं, हम नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे जल निगम का भी कुछ निजीकरण नहीं हुआ है, तो हम जल निगम को लेके सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अभी कोई निजीकरण नहीं हुआ है, लेकिन हम निजीकरण के कतई समर्थक नहीं हैं। देखिए, जैसे कि लगातार निजीकरण करती जा रही, बेच रहे बैंकों को, निजीकरण बेचने की बात कही गई, हमारे बजट में भी आया है जी, हो सकता है आगे चल के जल निगम की भी बारी आ जाए। अगर निजीकरण जल निगम का होता है तो हम इसका विरोध करेंगे, हम चूंकि किसी व्यवस्था के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं, किसी सरकार के नहीं, चूंकि हम सरकार के अंग हैं, सरकार हमारी है, और क्या नाम उसको पालना पोसना, सरकार को हमें पालना पोसना उसका धर्म है, तो अगर निजीकरण किया जाता है तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का निगम है, इससे जनता को नुकसान होगा, अभी तो जो चाहता है वहाँ पे टोंटी लगा के अपना फ्री में जल पी लेता है, निजीकरण होने से ये प्रदेश की जनता पानी से महरूम हो जाएगी, और आप जानते हैं कि लोग क्या कहते हैं कि प्यासे को एक ग्लास पानी, पहले लोग क्या करते थे, पानी तो पुण्य का काम है, लोग कुएं खुदवाते थे, पौशालाएं बनवाते थे, क्या क्या करते थे पुण्य करने के लिए, ये सब तो ये पुण्य के विभाग कार्य से जुड़ा हुआ विभाग है, लिहाजा इसके तो निजीकरण का कहीं से कोई प्रश्न ही नहीं उठता, निजी कंपनियां पुण्य कमाने के लिए नहीं होती हैं, वो व्यापार करने के लिए होती हैं, तो हम व्यापारी को कैसे घुसने देंगे अपने इस पुण्य के काम में, हमारा काम जनता के लिए पुण्य करना है, पुण्य कमाना है, तो हम वही काम करेंगे और निजी कंपनी को घुसने नहीं देंगे। वैसे रेलवे, बैंक और अन्य संस्थाएं भी हमारी पब्लिक की संपत्ति है, हम लोगों की संपत्ति है। देखिए, रेलवे और बैंक लाभ कमाती हैं, बैंक भी लाभ कमाती है और रेलवे भी लाभ कमाती है, बिजली का कोई कह सकता है निजीकरण, तो बिजली भी बेचते हैं, वो उत्पादन करके लाभ कमाते हैं, हम तो कुछ नहीं बेचते, हम तो न पानी बेचते हैं न सीवर बेचते हैं, हम तो बना के दे देते हैं और उसके बाद जनता उसका उपयोग करती है, हम तो केवल वेतन तक ही सीमित हैं, तो इसलिए हमारी तुलना प्रदेश के किसी सार्वजनिक निगम, किसी भी सार्वजनिक उपक्रम से नहीं की जा सकती। आगे क्या रणनीति है अगर आप? आगे हमारी रणनीति है, कल से हमारा आमरण अनशन है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ खुशखबरी जल निगम को देते हैं, कुछ भला कर देते हैं, तो कल हम उनकी जय जयकार करेंगे, और अगर हमारा कुछ नहीं करते, हमको हमारे हाल पे छोड़ देते हैं, तो हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा, ऐसे ही चलेगा।